प्रदेश वक्त की बड़ी अपडेट की और आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुप्रीमो मायावती जी का बड़ा बयान सामने आया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि यूपी में सड़कों की दुर्दशा काफ़ी खराब है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से राज्य के अंदर कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है, उसी तरीके से आपको बता दें कि सड़कों की भी खस्ता हाल है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि सड़कों की दुर्दशा से आम जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित है। उन्होंने कहा कि सरकार की विफलता का जीता जागता ये जो प्रमाण है वो सड़कों का खस्ता हाल ही है। बीएसपी अध्यक्ष सुप्रीमो मायावती ने ट्विटर के माध्यम से लिखा है कि यूपी में कानून व्यवस्था स्वास्थ्य व्यवस्था की तरह ही यहाँ की सड़कों की भी दुर्दशा व खस्ता हाली से आम जनजीवन काफ़ी बेहाल है तथा गड्ढों में पानी भर जाने से सड़क हादसों और इसमें होने वाली दर्दनाक मौतों की खबरों से अखबार भरे पड़े हैं कि अति दुखद और सरकार की विफलता का जीता जागता प्रमाण है। सड़कें लोगों की बुनियादी जरूरत है, विकास से विशेष जुड़ी हुई है तथा इनके बारे में सरकार चाहे जितने भी नारे लगा ले वह दावे कर ले, लेकिन यूपी के सड़कों की हालत फिर से इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि सड़कों में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है। सरकार को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। एबीपी न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ।